रविवार को प्रखंड के सहरघाट थाना क्षेत्र के पकरशाम गांव में हुई भीषण अगलगी की घटना में अगल बगल के 5 घरों सहित उसमें रखी लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सुबह लगभग 9:30 बजे के समीप हुई इस घटना के वक्त इनमें से कई घरों के लोग गेहूं काटने खेतों की ओर गए हुए थे, जिसके कारण लोगों को देर से इस बात की जानकारी हो सकी। हालांकि आस पड़ोस के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो सभी दौड़े और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पीड़ितों के 5 घरों सहित उसमें रखे नकद अनाज, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन सहित लाखों की सामग्री जलकर नष्ट हो गई। इस बीच स्थानीय चौकीदार ध्रुव मंडल के द्वारा सूचना मिलने पर सहरघाट थाना के SI धर्मेंद्र कुमार सिंह, डायल 112 के भरत कुमार यादव और अग्निशमन विभाग की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिर ग्रामीणों के साथ सबके अथक प्रयास से लगभग 2.5 घंटों के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सबसे पहले योगेंद्र मंडल के घर में ही आग लगी, फिर आग की बढ़ती लपटों ने धीरे धीरे अगल बगल के कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। इस घटना में सभी घरों में रखे फर्नीचर, अनाज, कपड़ा व अन्य सामग्रियों के अलावा योगेंद्र मंडल के घर में ईंट खरीदने के लिए रखे 3 लाख रुपए नकद और दोनों पतों का लगभग 10 भर सोने व 50 भर चांदी के गहने, दशई पासवान के घर में रखे 50,000 रुपए नकद सहित अन्य सामग्री जलकर भस्म हो गए। वहीं श्याम पासवान के घर में लगभग 3 लाख रुपए, रामशरण मंडल के घर में लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति, जबकि देवकला देवी का भूसा का घर जलकर खाक हो गया। समाचार प्रेषण तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पीड़ितों ने बताया कि घटना की सूचना अंचलाधिकारी व सहरघाट थाना को लिखित रूप से दी जा रही है। CO नीलेश कुमार ने बताया कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी को घटना स्थल की स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। उसके आधार पर आपदा विभाग द्वारा दी उचित सहायता राशि प्रदान की। हम नहीं जाना है सर, गेहूँ काटने गए थे, गेहूँ अती रकम हमारा तो 200 क्विंटल हमारे रकम गए 15-20 लाख। कैसा लगा सुना है मालूम चला ना? फिर कैसा आग बुझाया गया इसको? हम तो गेहूँ काटने गए थे बन में, ग्रामीण सब जुटा है, मदद किया है, इसके बाद थाना से भी यहाँ पर वही लोग आई बिगेट आया है थाना से। क्या नाम है आपका? आशा देवी। वो आग लग गया है, कैसे लगा है आग? तो हम लोग सब घर पर यहाँ पर नहीं था ना, खेत में था। आग कैसे लग गया? दूसरा घर से आग लग गया। किन के घर से आग लगा है? जोगिंदर मंडल के घर से। क्या सब नुकसान हुआ आपके घर में? वो गहना गोरिया, अनाज फनाज, लता कपड़ा, पैसा। कितना रुपया लगभग? रखी ना 50,000-50 लाख। फिर आग कैसे, आग पर कैसे काबू पाया गया है? आग मशीन आया, आदमी से मुझाया, बाल्टी से गाड़ी आया। कितने देर के बाद आग बुझी है? लगभग 2.5 घंटे। हाँ 2.5 घंटे। कितने घरों में कुल आग लगा है? 5-6 घर। क्या नाम है आपका? दसई पासवान। कम से कम 5 लाख रुपया के क्षति वाला आप तो के जते गहना गुड़िया देने चला, सब जे सब सामान मान सब जे पैसा वैसा रखने चले, सब जे चले लोन पर उठाने पैसा देने चले, सब जे। कितना रुपया था लगभग? 1,20,000 रुपया चले, 2 लोन चले उठाने। घर पर नहीं थे आप लोग? ना, घास ला चलिए चले गए। कैसे आग लगा है? आग लगले से जोगिंदर मंडल के घर से आग लगले, तो उनका आप केना लगले नहीं लगले, वो सब घर नहीं छलखिन, आप केना लगले से नहीं देखली। लगभग 4 लाख की क्षति हुआ आपका? 5 लाख के। 5 लाख का। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। घर? घर बकरसामा। कितना का क्षति हुआ लगभग आपके घर में? 1.5 लाख का सर। 1.5 लाख का। घर पे थे आप लोग? नहीं, गेहूं काटा गेम चले लगे थे, गेट तो पड़ते ने दाते पदाते लगे छ। कैसे आग पर फिर काबू पाया गया? अरे ग्रामीण सबके सहयोग से थाना के गाड़ी आई छली 5 ब्रिगेड, फिर आया था आपके घर में, आग बुझ गया था। सब मुझे छल के ना, बाबू भैया सब छल के ना, थाना सब आए छल के ना। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी।